नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों का घोषणा किया गया है कि इस बार जो है किसानों को फिर से डीजल अनुदान दिया जाएगा और इसका जो आवेदन है वो जल्द यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो अभी जो है आप लोगों का कृषि विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोगों को अनुदान मिलने वाला है, कितना पैसा आप लोगों को अनुदान में दिया जाएगा और किस तरीके से ये अनुदान मिलेगा, सब कुछ आप लोगों का जानकारी दे दिया गया है। साथ में दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का जो पैसा होता है डीजल अनुदान के लिए वो जो है सरकार की तरफ से आप लोग का जारी हो चुका है, यानी कि जो भी आप लोग का टोटल पैसा है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी कर दिया गया है। लगभग सभी जिलों में आप लोग का जो डीजल अनुदान है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो किस प्रकार से आप लोग का नोटिस जारी किया गया है, किस तरीके से आप लोग को डीजल अनुदान का लाभ मिलने वाला है और कितना पैसा आप लोग को दिया जाएगा, तो मैं आप लोग को पूरा जो है यहाँ पे नोटिस के माध्यम से जानकारी देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी पड़ा हुआ है, साथ में हमारे पास जो है कुछ पेपर कटिंग भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है आप लोग का पेपर कटिंग है जो कि आज ही का आप लोग का पेपर कटिंग है। आज के किसी भी पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, आप लोग को जो ये देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, पटना में दिनांक 19 जुलाई 2022 मंगलवार को अपहरण 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वही मुख्यमंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो है कल आप लोग का जो भी स्वीकृति यहाँ पे हुआ है, जो भी मंत्रिपरिषद का आप लोग का बैठक हुआ है, उसके बारे में आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया है। तो यहीं पे आप लोग का जानकारी दिया गया, थोड़ा सा आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कृषि विभाग के लिए भी यहाँ पे जो है एक आप लोग का स्वीकृति मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या जानकारी आप लोग का दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दोस्तों कि राज्य में अनियमित मानसून, सूखे, अवृष्टि के जैसे स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 29,95,00,000 रुपया अग्रिम राशि की स्वीकृति के संबंध में। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग का टोटल जो है 29,95,00,000 रुपया यहाँ पे जो स्वीकृत किया गया है, जो कि आप लोग का डीजल अनुदान के लिए यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर इतना पैसा यहाँ पे आप लोग का स्वीकृत किया गया है, इसका मतलब है कि सभी जिलों में आप लोग का जो आवेदन यहाँ पे होने वाला है और सभी जिले के जो किसान होंगे उनको यहाँ पे डीजल अनुदान दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का ऑफिशियल जो यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। साथ में यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि कितना कितना आप लोग का पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लोग का जानकारी दिया गया है कि कैबिनेट सिंचाई के लिए परेशान राज्य के किसानों को बड़ी राहत, किसानों को मिलेगा 60 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल पर अनुदान। यानी दोस्तों, यहाँ पे 1 लीटर के लिए आप लोग को 60 रुपए यहाँ पे जो डीजल अनुदान दिया जाएगा और टोटल 10 लीटर के लिए आप लोग यहाँ पे जो पैसा है वो दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 10 लीटर से ज्यादा भी आप लोग को मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया दोस्तों कि राज्य सरकार ने किसानों को सूखे की स्थिति में निपटने के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसानों को खरीफ फसल के पटवन के लिए 60 रुपए प्रति लीटर डीजल अनुदान देने का फैसला लिया गया है। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया दोस्तों कि बिहार आकस्मिक निधि से कुल जो है 29.95 लाख, यानी दोस्तों 29,95,00,000 रुपए यहाँ पे जो जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग का बताया गया दोस्तों कि 1 एकड़ पर 60 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा, 1 एकड़ क्षेत्र में 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान है। यानी दोस्तों, यहाँ पे प्रति एकड़ आप लोग को 10 लीटर यहाँ पे जो डीजल दिया जाएगा और अगर आप यहाँ पे 1 एकड़ से ज्यादा यहाँ पे डालते हैं, यानी मान लीजिए 2-3 एकड़ डालते हैं, तो उसके लिए आप लोग का अलग से यहाँ पे जो पैसा दिया जाएगा 10 लीटर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे 600 रुपए आप लोग का 1 एकड़ में यहाँ पे जो पैसा दिया जाएगा और ये जो है आप लोग का दो बार दिया जाएगा। दो बार यहाँ पे जो है आप लोग को डीजल अनुदान मिलने वाला है, एक बार 600 मिलने वाला और दूसरा बार भी आप लोग को 600 मिलने वाला है, लेकिन 1 एकड़ के लिए आप लोग का 600 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का बताया गया कि अधिकतम 5 एकड़ के लिए अनुदान। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ आप यहाँ पे जो भर सकते हैं और 5 एकड़ तक के लिए आप लोग को अनुदान मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का बताया दोस्तों, ऐसे में खरीफ फसल की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 600 रुपए के दर से डीजल अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 5 एकड़ खरीफ फसलों के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग का 5 एकड़ के लिए जो है डीजल अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप 2 एकड़ के लिए आवेदन करते हैं, 3 एकड़ के लिए आवेदन करते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग को 600 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। और एक बार आप लोग का आवेदन होगा, उसके बाद फिर दोबारा आप लोग का आवेदन होगा और दोबारा आप लोग का जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का बताया कि किसानों को धान बिचरा बचाने और जूट की फसल को 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ के दर से डीजल अनुदान दिया जाएगा। यानी कि आप लोग का जो 1200 रुपए यहाँ पे डीजल अनुदान दिया जाएगा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों, तेलहन, दलहन, मौसम सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधे के एक ही खेती के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यहाँ पे जो है आप लोग का पैसा दिया जाएगा। यानी कि आप लोग का धान के लिए जो है 2 सिंचाई के लिए पैसा दिया जाएगा, दो बार आवेदन होगा, और यहाँ पे आप लोग का जो तेलहन दलहन होगा उसके लिए आप लोग का 3 बार जो यहाँ पे डीजल अनुदान दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे जो पैसा है वो मिलने वाला है।
यहाँ पे दोस्तों बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग का जो डीएल अनुदान का पैसा है वो स्वीकृत हो चुका है। अब 1 से 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप लोग आवेदन कर पाइएगा। जब भी आवेदन शुरू होगा मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को लाभ मिलने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।